ओके, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि लॉगिन पैनल जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी, तो आज हम जो देखने वाले हैं, एक्चुअल हम क्या करने वाले हैं कि आपके पास लॉगिन पेज को आप ईमेल और पासवर्ड दो, अगर वो सही हो तो आपको होम पेज पे भेजा जाए बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सिंपल सी लॉजिक है, दो इनपुट से वैल्यू लेनी है, कब, जब बटन पे क्लिक हो, फिर उसको कंपेयर करना है आपकी दी हुई कुछ डमी वैल्यू से, उसके बाद इसको फॉरवर्ड करना है होम पेज पे, अगर सही दे, गलत दे तो इसी पेज पे आपको एक अलर्ट दिखा दे। दैट्स इट। सही है जी, चलें कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे एक लॉगिन डॉट एचटीएमएल के नाम से बना दिया है एक पेज, इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप 3 के थ्रू कुछ सीडीएन बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर देता हूं और सिंपल डिजाइन बना लेते हैं कि ये एक लॉगिन पैनल बनेगा। ठीक है जी, डिजाइन की चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। लॉगिन पैनल, इसके अंदर हमने एक डिव बनाना है कॉलम MD8 का, यानी मीडियम 8 कॉलम का एक डिव होगा। उसके अंदर हमारे इनपुट होंगे जिसमें होगा टेक्स्ट, ये ईमेल के पर्पस के लिए बना रहे हैं। इसके सामने एक समझ लें हेडिंग या उसकी लेबल होगी, एंटर ईमेल। और उसके बाद हमने यहां पे आके इसी तरह से पासवर्ड के लिए बना देना है, एंटर पासवर्ड, पास लिख देते हैं, दैट्स इट। और इसकी आईडी भी होगी पास। ठीक है जी, तो दो इनपुट बनाए हैं, एक ईमेल के लिए, दूसरा पासवर्ड के लिए। पहले इनपुट को यहां से ब्रेक कर देते हैं, और इसके बाद एक बटन बनाएंगे, उसके लिए भी एक ब्रेक डाल देते हैं। बटन टाइप बटन होगा, और इस पे क्लास अप्लाई कर देते हैं BTN, BTN प्राइमरी। बटन को कवर करके बटन का नाम रख देते हैं लॉगिन, सेव करते हैं। यहां से इसको चला के देख लेते हैं किस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये आउटपुट पे आ जाएगा। उसके बाद में यहां पे आके कुछ चीजें, ठीक है जी, एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरह का आपका एक सिंपल सा डिजाइन। अब मुझे कुछ और चीजें करनी है ताकि इसको बेहतर डिजाइन में लाया जाए, तो एक क्लास जो फॉर्म कंट्रोल, यहां पे भी इन तीनों इनपुट पे अप्लाई कर देंगे, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है ताकि इनपुट को आप बेहतर से दिखा सके। इन तीनों इनपुट बटन, इन पे मैंने अप्लाई कर दी। सही है जी, उसके बाद आपने दो बार क्लासेस अप्लाई की हैं तो ये चीजें अप्लाई होंगी नहीं, तो आपने यहां पे आके BTN और BTN प्राइमरी लिख दिया। इस तरह से अब पूरा लॉगिन पहले थोड़ा लेफ्ट की तरफ नजर आ रहा है, तो मैं इसको राइट की तरफ पुश करने के लिए ऑफसेट लगा दूंगा, कॉलम MD ऑफसेट कितना, 2 कॉलम का, तो इस तरह से सेंटर में आ जाए। सही है जी, तो हमने क्या किया, 8 कॉलम के अंदर इनपुट बनाए हैं, उनके ऊपर हमने जैसे ही ईमेल और पासवर्ड सही से दिया तो आपको किस पेज पे भेजेगा, होम पेज पे, अदरवाइज आपको यहीं पे एक एरर दिखा देगा। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, यहां आना है और एक दूसरा पेज भी बना देना है, होम पेज, या यूजर डॉट HTML नाम रख देते हैं। ठीक है जी, इसको भी बूटस्ट्रैप की जो हेडिंग से वो अप्लाई करके इस तरह से CDN अप्लाई कर देते हैं। उसको कहेंगे कि ये आपका यूजर का पेज है या यूजर का होम पेज है, तो हेलो यूजर कर देते हैं। सही है, और उसके बाद यहां पे आप इसको एक जम्बोट्रोन हेडर प्रोवाइड कर दो, BS3 जम्बोट्रोन, आपको पता है हेडर के लिए यूज कर लेते हैं, और एक नेविगेशन रेस्पॉन्सिव होगी ताकि आपको लगे कि कुछ चीजें हैं पेज के अंदर।
और BS3 एक कैरसल यानी स्लाइडर भी दे देते हैं, और एक फूटर के लिए हमने बिल्कुल लास्ट में भी एक चीज प्रोवाइड कर दे दी। तो BS3 एक और जम्बोट्रॉन फूटर के लिए। चलें जी, ये आपका जो है वो कौन सा पेज, यूजर का पेज भी आ चुका है। अब मैं चाहता हूं यहां पे हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करें, इन तीनों इनपुट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो सबसे पहले नीचे आना है और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग शुरू कर लेंगे। कोशिश करें कि यहां पे आके स्क्रिप्ट को ऑन करें, या आप इससे पहले कर दें जेक्यूरी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको बेहतर लगे। मैं यहीं पे कर लेता हूं स्क्रिप्ट का टेक ऑन और क्लोज। इसके अंदर मैंने क्या करना है, एक फंक्शन बना देना। क्या बना देना है? फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, उस फंक्शन का नाम रख देते हैं लॉग इन। आपको पता है फंक्शन कीवर्ड से हम फंक्शन बनाते हैं। उसके बाद गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे हम किसी भी HTML के एलिमेंट से वैल्यू गेट करते हैं और कैसे उस HTML के अंदर वैल्यू सेट करते हैं, यानी टेक्स्ट गेट करना, HTML गेट करना, सेट करना, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या करना है, जिसकी ID ईमेल है और जिसकी ID पासवर्ड है, इनसे वैल्यू लेनी है और फिर कंपेयर कर देनी है। ऐसे ही है बेटा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां आता हूं, इनसे वैल्यू कैसे लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के इस पूरे डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करो, पूरे डॉक्यूमेंट जिसमें हम खड़े हुए, और गेट करो एलिमेंट किससे, ID से। अब आपको बतानी है वो ID जो आप चाहते हैं। तो मैंने बताना है जिसकी ID ईमेल है इसको टारगेट करो। कौन सा क्लियर है? और इसकी क्या लेनी है, इसकी वैल्यू ले लेनी है। दैट्स इट। डॉट वैल्यू जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो इस इनपुट से वैल्यू ले ले। अब वो वैल्यू कहां चाहिए, किसी वेरिएबल में। इसका मकसद ये वैल्यू आपको दे देगा, और वैल्यू आपको लेने के बाद क्या करना है, अलर्ट करवा दे। चले अभी के लिए मैं किसी वेरिएबल में से वैल्यू लेता हूं, वेरिएबल ए, यानी आपकी ये वैल्यू ए के पास आ जाएगी और ए को मैं क्या कर देता हूं, डिस्प्ले कर देता हूं एक ही इनपुट से। लेकिन आपको पता है हम फंक्शन बना तो लेते हैं, जब तक कॉल ना करें वो कॉल नहीं होते, सही है। अब इस फंक्शन को कॉल कब करना है, मैं चाहता हूं जब बटन पे क्लिक हो, ऐसे ही है ना। तो आपकी HTML की एक एट्रीब्यूट होती है ऑन क्लिक, जिसको एवेंट भी कहा जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि जब इस बटन पे क्लिक होगा क्या होगा, ऑन क्लिक, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो लॉगिन वाला फंक्शन कॉल हो जाए। और लॉगिन वाले फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, 2 लाइन ऑफ कोड लिखी है कि पहले इनपुट से वैल्यू लो और अलर्ट में दिखा दो। दैट्स इट, ये किया ना हमने। तो अभी सिर्फ हम देख लेते हैं किस तरह से वो वैल्यू गेट कर रहा है। रिफ्रेश करते हैं, यहां आते हैं, इसको वैल्यू देते हैं। मैं इसको वैल्यू दे देता हूं अली, और मैं ओके करता हूं, तो अली शो कर रहा है अलर्ट। इसका मकसद जो इनपुट में वैल्यू आई, बटन की क्लिक से अलर्ट में डिस्प्ले हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, सही है। अब यही वैल्यू लेनी है और कंपेयर करनी है विथ पासवर्ड, पासवर्ड भी लेना यूजर से। तो दोनों चीजें लेके हम 2 वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। तो एक वेरिएबल बना देता हूं ए के नाम से, चले एक दूसरा वेरिएबल, या ईमेल ही रखते हैं वेरिएबल का नाम, फर्क नहीं पड़ता। और ये मत समझिएगा कि आपकी आईडी ईमेल है या इनपुट का, ये जो यहां पे आपने आईडी डिफाइन की है वो ईमेल है तो यहां देना लाजमी है, सही है। ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, इसका नाम आप जो दिल करे रख सकते हैं, ठीक है। इसमें लाजमी नहीं है कि जो आईडी है तो वही वेरिएबल का नाम, मैं वैसे रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, सही। इसी तरह से एक और इनपुट बना देंगे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और अब इसका नाम होगा पासवर्ड। इसकी आईडी कौन सी है बेटा, पास, तो यहां पे हम पास कर देंगे पास, सही है। कि इस इनपुट से भी पासवर्ड वाली वैल्यू लो और किसको दे दो, इस वेरिएबल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहां पे आके कंपेयर कर लेना। अब कंपेयर कैसे करेंगे, इफ ईमेल इज इक्वल टू अली, या यूजर है ना, user@gmail.com। अगर इनपुट से कौन सी ईमेल आती है, user@
gmail.com और पासवर्ड। तो एंड ऑपरेटर आपको पता है हम क्यों यूज करते हैं, जब आपको दोनों कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन ट्रू चाहिए, है ना। तो आपको पता है जब फेसबुक पे आप लॉगिन करते हैं, अगर आपकी ईमेल सही है पासवर्ड गलत है फिर भी आप लॉगिन नहीं करते ना, तो हम चाहते हैं दोनों चीजें सही हो, ईमेल ये हो और आपकी पासवर्ड की वैल्यू जो हो वो इक्वल हो किसके, पासवर्ड है यूजर खाली, ये यूजर 123 कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपने पहले इनपुट के अंदर अगर दिया user@gmail.com और दूसरे इनपुट के अंदर अगर दिया user123 तो फिर आपको कहां भेजा जाएगा, होम पेज पे या यूजर वाले पेज पे, ऐसे ही है ना। तो हम इसको भेजेंगे, अब आपको भेजने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, विंडो डॉट लोकेशन, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस, और मैं इसको यहां पे आके कहूंगा कहां जाना है आपको, यूजर डॉट html के पास, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी अगर आपकी ईमेल और पासवर्ड किस तरह से दी, इस तरह से ईमेल दी user@gmail.com और पासवर्ड दिया user123, तो आप कहां जाएंगे, यूजर के पेज पे, अदरवाइज आपको कहां भेजा जाएगा, अदरवाइज एल्स के अंदर आपको सेम पेज पे भेजा जाएगा, किस पेज पे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हाइपर रेफरेंस, किस पेज पे, इसी पेज लॉगिन डॉट html के पास, और आपको एक अलर्ट एज अ मैसेज भेजा जाएगा कि यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, कि आपने गलत ईमेल और पासवर्ड दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, सही है। सेव करते हैं और इसको अब आके रिफ्रेश करते हैं। ईमेल अब मैं गलत देता हूं, वहां पे ईमेल user@gmail.com चाहिए और पासवर्ड चाहिए user123, तो पासवर्ड भी कुछ गलत दे देते हैं। और मैं जैसे ही क्लिक करता हूं अलर्ट आ रहा है, क्या अलर्ट आ रहा है, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग और इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। चले ईमेल सही दे देते हैं, पासवर्ड गलत देते हैं, तो user@gmail.com पासवर्ड आपने सिर्फ 123 दिया, user123 नहीं दिया, तो क्या बता रहा है फिर भी कि आपने पासवर्ड गलत दिया या ईमेल गलत दी है ना, जबकि ईमेल आपकी सही है। इसी तरह से मैं फिर से जाता हूं यहां पे आके, अब सही देते हैं user@gmail.com सही ईमेल है और पासवर्ड देते हैं user123, तो आपको ये कहां भेजेगा, होम पेज पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, सही है। और इस होम पेज पे आप आने के बाद कुछ और चीजें भी परफॉर्म कर सकते हो इंशाल्लाह, इन फ्यूचर जो हमारे सेशन आने वाले उन पे हम आहिस्ता आहिस्ता से लॉग आउट इस तरह की चीजों पे भी काम करेंगे। तो कोशिश तो ये है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको डायनामिकली परफॉर्म करवाएं, इतना डायनामिक ज्यादा तो नहीं होगा कि कहीं परमानेंट डेटा बहुत सारा सेव होगा विद डेटाबेसेस एंड ऑल, लेकिन हाँ जो स्टोरेज इसकी गिवन है लोकल स्टोरेज सेशंस और कुकीज, तो उनको यूज करके हम कुछ चीजें परफॉर्म करवाएं।